भागलपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर का डीएम प्रणव कुमार ने आज उद्घाटन किया है। वहीं इससे कोरोना काल में रक्त की कमी से जूझ रहे अस्पताल के ब्लड बैंक को रक्तदान शिविर के माध्यम से राहत मिल गई है। रक्तदान शिविर में कोरोना कंट्रोल रूम के प्रभारी सह ट्रेनी आईएएस दीपक मिश्र, भरत सोनी, रेड क्रॉस सोसाइटी के महेश पांडे सहित कई अधिकारियों ने रक्तदान किया। इसमें सबसे खास बात यह रही कि महेश पांडे ने 66वीं बार रक्तदान किया है। आज विशेष रूप से रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर और मेडिकल कॉलेज भागलपुर के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दूं कि इस कोरोना संकट अवधि के दौरान रक्तदान शिविरों का आयोजन काफी कम हो गया था और हम लोगों को ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई कि रक्त की कमी से कुछ केसेस को दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि आज इस बिहार देवी दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये रक्तदान शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है। और रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। किसी एक व्यक्ति की जान, यदि कोई एक रक्तदान करता है तो दूसरे व्यक्ति को जान बचाता है। तो इसलिए सभी लोगों से अपील है कि रक्तदान निश्चित रूप से करें और वॉलंटरी करें। इसको हम लोगों ने सभी लोगों से भी अपील की है कि अपना वॉलंटरी आकर के रक्तदान करें। और आज यह सुखद अनुभूति यहाँ आज यह भी पता चला कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी के मनोज पांडे जी हैं, उन्होंने 66वीं बार आज रक्तदान किया है। तो एक मैसेज है कि रक्तदान करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। 3 महीने बाद पुनः आप एक स्वस्थ व्यक्ति आराम से रक्तदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त भागलपुर मेडिकल कॉलेज के पर्यवेक्षण के लिए जो आईएएस और आईपीएस प्रोफेशनल यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, दीपक मिश्रा जी और भरत सोनी जी, इन लोगों ने भी आज रक्तदान किया है। इसी प्रकार जो बीएएस के ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं मोतिया रत्न, उन्होंने भी रक्तदान किया है। तो एक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि रक्तदान करें, यह एक महादान है। आपका एक रक्तदान दूसरे की जिंदगी को बचाने में सक्षम रहता है। पश्चिमी चंपारण जिले के मंझौलिया प्रखंड के जोगटिया पंचायत के वार्ड 14 में स्थित भटवलिया गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया था। बाढ़ का पानी गांव में से तो उतर गया, लेकिन गांव से बाहर खेतों में जमा पानी से फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। नागेंद्र शर्मा, कहाँ घर है? घर भटवलिया है, जोगटिया भटवलिया। अच्छा, क्या समस्या है आप लोग की? समस्या यही है कि पूरा बाढ़ से हम लोग दह गया, खेती दह गया है और पूरा फसल नुकसान है। और ऊपर से लॉकडाउन लगा है, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, नहीं कमा सकते हैं। अभी तक स्थानीय पंचायत स्तर पर कोई मुखिया जी ने मुखिया एक बार देखने ना कोई वीडियो आया ना ब्लॉक से कोई आदमी आया, सरकार की तरफ से कोई हेल्प करने के लिए कोई आदमी नहीं। कितना नंबर वार्ड है? 14 नंबर वार्ड है। जी सर, हमारा नाम तूफान आलम है। क्या समस्या है सर? हमारा समस्या ये सर, देखिए पूरा फसल जितने भी है किसान भाई सबका बाढ़ की वजह से क्षति हो गई है। अच्छा, कौन पंचायत है सर? यहाँ 22 तोला है, मतलब जोकतिया पंचायत है, ये 22 तोला है। पूरा फसल मतलब बर्बाद हो गया सर। अच्छा, और जहाँ भी जिसका भी है सर, पूरा दहाड़ हो गई है और लॉकडाउन है, कहाँ कोई जा रहा है कमाने, हम भी कमाने खाने वाले आदमी हैं। तो प्रखंड से कोई नहीं आया था? मझौलिया कोई नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ, देखने के लिए कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। ऐसा है कि जब से ये लॉकडाउन लगा है यहाँ पे फसल भी बर्बाद हो गया, हम गरीब आदमी खाएंगे क्या?